सो गाइस, जापान हमेशा ही अपनी यूनिकनेस के लिए पूरी दुनिया में सुर्खियां बटोरता रहता है, लेकिन इस बार जो जापान ने किया है, मेरे हिसाब से वो जापान से ऐसी एक्सपेक्टेशन थी ही नहीं। मतलब कि जापान वर्ल्ड की सेफेस्ट कंट्री माना जाता है, लेकिन इस बार जापान ने क्या किया है कि पोनी टेल को बैन कर दिया गया है इन गर्ल्स। मतलब गर्ल्स कोई भी पोनी टेल नहीं कर सकती, और उनका रीजन सुनोगे तो आप मतलब दंग ही रह जाओगे। मतलब ये अगर कोई और कंट्री करती तो एक पल के लिए हम कर सकते थे, लेकिन ये जापान ने किया है। आई कांट एक्सपेक्ट, मतलब कि यार जापान में पोनी टेल को इसलिए बैन किया गया है कि उनकी लड़कियां पोनी टेल करती है तो उनकी गर्दन दिखती है, जिसकी वजह से लड़के सेक्सुअल अट्रैक्शन होते हैं, तो जिसके वजह से उन्होंने लड़कियों को ही बैन कर दिया। मतलब अगर कल को कोई आपके मुंह पे घूसा मार दे और वो रेगुलर मारे, तो आप अगले दिन से अपना मुंह ही छुपा लेना। तो मतलब ये इस तरीके की सेंसलेस चीजें हैं। मतलब ये जापान को ये बात सोचनी चाहिए कि जापान वर्ल्ड की बेस्ट कंट्रीज में आता है, अगर वो इस तरीके के बकवास के लॉज लेकर के आएगा तो बाकी कंट्रीज पे इसके क्या असर पड़ेंगे। बाकी आपके क्या विचार है आप मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।